आगरा के कमला नगर स्थित डी ब्लॉक के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद का चतुर्थ सम्मेलन किया गया, जिसमें देश भर से लगभग 100 से अधिक ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद, मंत्र शास्त्र विशेषज्ञ पहुंचे। मेडिटेशन गुरु पादेश देवी भी संत सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के चतुर्थ ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन 17 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर किया गया, जो कि आगरा के कमला नगर स्थित डी ब्लॉक के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में अर्पित में समिति के तत्वावधान में यह सम्मेलन हुआ, जिसमें आगरा समेत देश भर से लगभग 100 ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ, मंत्र शास्त्र विशेषज्ञ पधारे और सर्वप्रथम उपादेश डी पी संत सागर जी महाराज के समक्ष श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम संयोजक व अखिल भारत वर्षीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि जैन जी ने बताया कि जैन दर्शन के सभी प्राचीन ग्रंथों में ज्योतिष का उल्लेख मिलता है। जैन दर्शन के 24 तीर्थंकरों की स्तुति से अलग अलग ग्रहों की शांति के उपाय किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सही कुंडली व्यक्ति की सही जानकारी देती है। उन्होंने सामान्य जन को लैपटॉप मोबाइल से कुंडली मिलान बंद करने की सलाह देते हुए कहा कि ज्योतिष अध्ययन का विषय है वह मात्र गुड़ मिलान से काम नहीं करता, अन्य अलग अलग पक्ष भी देखे जाते हैं। इसी प्रकार मांगलिक दोष को स्वयं पर हावी ना होने दें, वह हर व्यक्ति एवं हर उम्र के अनुसार अलग हो सकता है, अतः अपने एक अच्छा और योग्य ज्योतिषाचार्य बनाएं और उन्हीं से सही राय लें। इस दौरान विभिन्न नगरों से पधारे सभी ज्योतिषियों ने क्रम अनुसार अपने अपने सुझाव उपादेश डी के समक्ष रखे। मेडिटेशन गुरु उपादेश डी विखे संत सागर मुनिराज ने इस विषय पर बोलते हुए कहा कि अंधेरे में प्रकाश दिखाने का काम करता है ज्योतिष। हमारे जीवन में नक्षत्र, ग्रह, तारों का बहुत महत्व होता है। उन्होंने कहा कि पंचांग हिम्मत बढ़ाने का काम करता है। महानुभाव, हम सभी लोग आज शरद पूर्णिमा के पावन प्रसंग पर जैन ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। कभी रात में राहुल जी उदयपुर, कभी रात में आपका चश्मा आप घर पे भूलकर आ जाए डॉक्टर हुकुमचंद जी, बिना चश्मा के आप ना पढ़ पाएंगे ना देख पाएंगे। बाय द वे, चश्मा आप घर पर भूलकर आ जाए, छूट जाए, गुम जाए और अंधेरे में आपको कोई गली पार करना हो तो पहले तो आपको डर लगेगा। सुमेर जी दिल्ली, क्या लगेगा? डर है, लगेगा कि गली मैं पार तो कर रहा हूं, चश्मा भी नहीं है ना, लाइट है, घंघोर अंधेरा है, कहीं सांप ना आ जाए, कहीं नाली में पैर ना चले जाए, कहीं गड्ढा ना हो जाए, मैं बुजुर्ग व्यक्ति हूं कहीं गिर ना जाऊं, डर लगेगा। पर हिम्मत करके आप सोचोगे चलो बढ़ता हूं, लेकिन जैसे ही पैर आपने बढ़ाया और गड्ढे में आ गया, आपको लगा रे यार अगर थोड़ी सी लाइट की व्यवस्था हो जाए तो मैं ये गली पार कर जाऊं। अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद ने युवा शक्ति के पर्याय आगरा जैन जगत की शान श्रीमान मनोज जैन वाकलीवाल को भारत जैन समाज गौरव की उपाधि से अलंकृत किया। इस अवसर पर अर्पित में पावन वर्षयोग समिति के पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों का दुपट्टा माला पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन किया।